उन्नाव में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद जहां पूरे प्रदेश और देश में हंगामा मचा हुआ है, वहीं शामली में गठवाल खाप चौधरी बाबा श्याम सिंह ने युवाओं की एक पंचायत कर ऐलान किया है कि अगर कोई गलत कदम उठाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दंड दिया जाएगा। वहीं सरकार से रेप करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। पूरे देश की सुर्खियों में उन्नाव गैंगरेप कांड से जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बाहुड़ी में गठवाल खाप चौधरी बाबा श्याम सिंह ने गांव में युवाओं की एक पंचायत कर सख्त आदेश देते हुए ऐलान किया कि अगर कोई युवा किसी तरह की रेप जैसी घिनौनी घटना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ उसे दंडित किया जाएगा और सरकार को रेप करने वाले को फांसी देनी चाहिए। उन्नाव में जो रेप कांड हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ, ऐसा होना ना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार ऐसा कदम उठावे अगर जिस तरह आने वाले दिनों में कोई भी भाई ऐसा अपराध करेगा और तो उसे ऐसी सजा मिले अगर दूसरा भाई उस सजा को देख के अगला कदम ना उठा पावे। कैसी सजा मिलनी चाहिए? सजा तो सरकार के पास बहुत है। सबसे आखिरी की सजा फांसी की है। अगर फांसी की सजा ऐसे उसमें लगाई जा तो बहुत ही अच्छा कदम है। सजा तो सरकार के हाथ की बात है, कानून है, सरकार जैसा कानून बनाओगे ऐसा ही आगे चलेगा। अतः पंचायत की यहाँ पे युवा भी बैठे हैं, हाँ, इनको क्या संदेश दिया आपने? जो संदेश दिया ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, सबके लिए संदेश है। भाई अगर गलत भी कार्य कोई भी करेगा वो सजा का हकदार है और सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए सरकार के द्वारा अगर जिस तरह आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा या कोई भी ऐसा गलत काम करेगा तो उसे सजा का डर लगेगा और वो कर नहीं पावेगा, अगलों को भी सबक मिलेगा। अच्छा, शामली में भी घटना है, 24 घंटे में 3 गैंगरेप हुए, इसके बारे में क्या? देखो, शामली की घटना है, शामली में ईव हुई होंगी है, अन्य पहले कोई ऐसी घटना नहीं थी, सब संतुलन में है, कोई ऐसा बिगाड़ खाता नहीं था। हम तो ये कह अगर शामली में भी ऐसी घटना हो रही है तो उनके लिए भी जो एक के लिए है वो दूसरे के लिए भी यही सजा होनी चाहिए, जिस तरह समाज पर कोई बुराई ना आवे, समाज बुराई तो बचे और जी सजा वाले को सजा मिले। तो मानना कहना ये है कि जो रेप करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि कोई भी है नहीं, वो तो फांसी की सजा, हम तो ये कहें कि जो भी कानून सरकार बनावे उस कानून के दायरे में उसे जैसे भी उसने अपराध करा उसी तरह की उसे सजा मिले। अगर सजा नहीं मिलती तो एक दूसरा देख कर फिर वो भी करेगा उसी काम को, उसे रोकने के लिए सरकार ऐसा कदम उठावे जिस तरह अगले पे रुकावट हो, वो ऐसा कदम ना उठा सके।